गुड आफ्टरनून एवरीवन. टुडे आई एम गोइंग टू टीच द नेचर ऑफ मैटर्स मैटर्स ओके. और उसमें भी क्या मैटर्स में क्या पढ़ना, टॉप टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाने जा रही हूँ. सबसे पहले ये जो मैटर का प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे है अपियरेंस एंड फी. अपियरिंग फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज अपियरेंस एंड फी. अपियरेंस और फील क्या है, एंड फील व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपियरेंस. ठीक है, तो अपियरेंस एक्चुअली दे लुक क्या लस्टर बोलेंगे, कि कुछ ऐसे मटेरियल मैटर्स होते हैं जिनमें एक्चुअली दे हैव लस्टर और सम मटेरियल हैव द डल नेचर. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें लस्टर होता है और कुछ डल होते हैं. यहाँ पे लिखा है कि मेटल्स आर नोन टू डिफर फ्रॉम वन अनदर टर्म ऑफ अपियरेंस. इसका मतलब क्या हुआ, अपियरेंस का मतलब डल एंड लस्टर, डल या फिर लस्टर. लस्टर और डल को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अपियरेंस. क्या बोल रहे हैं, अपियरेंस बोल रहे हैं. ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, टेक्सचर. यहाँ पे फील, फील को हम टेक्सचर भी बोल सकते हैं. फील दैट मीन्स कि जैसे कुछ सबस्टांस को, कुछ मैटर्स को हम मटेरियल्स को टच करके देखते हैं, तो टच कर देखते हैं तो क्या होता है, ठीक है, स्मूथ, कुछ स्मूथ एक्चुअली दे फील अस स्मूथ. और कुछ मटेरियल जो ऐसे होते हैं एक्चुअली रफ होते हैं, रफ इन नेचर. और टेक्सचर दैट मीन्स आप ये जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड, ठीक है, इसमें क्या है, लस्टर है, बिल्कुल चमक है क्योंकि पॉलिश्ड है ये, तो ये इसमें चमक है. और अगर आप टच करके देखते हो तो क्या होगा, स्मूथ होगा. क्या होगा, स्मूथ होगा, दैट मीन्स कि ये लस्टर के साथ साथ स्मूथ भी है. इसका अपियरेंस क्या हो गया, लस्टर हो गया, और टेक्सचर क्या हो गया, स्मूथ हो गया. ठीक है ना, कुछ ऐसे मटेरियल है जो कि रफ होते हैं, सैंड सैंड पेपर आपको याद होगा या फिर आप जानते हो घर में भी यूज करते सैंड पेपर. तो सैंड पेपर क्या है, एक्चुअली डल होते हैं, उसमें कोई चमक नहीं होती है क्योंकि पॉलिश नहीं रहता है. पॉलिश कर देंगे तो हो सकता है चमक हो जाए, लेकिन वो चमक नहीं होती है. और फिर जब आप उसको टच करके देखें तो वो क्या होता है, रफ होता है. एक्चुअली क्या होता है, रफ होता है. तो पॉलिश मटेरियल अगर कोई है, कुछ है, कोई मटेरियल अगर पॉलिश है, दैट मीन्स कहेंगे कि दे हैव लस्टर, दे हैव लस्टर, उसमें चमक होती है. और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो डलनेस होता है उसमें, डल होते हैं और स्मूथ में आ जाए, ये फीलिंग्स या फिर टेक्सचर में आ जाए तो स्मूथ होता है और ये होता है. तो यहाँ पे एक्टिविटी टू दिया है, थिंग्स स्मूथ रफ लस्टर और डल. ठीक है ना, तो इसको आप कर सकते हो, थिंग्स पॉलिश मार्बल और सैंड पेपर दो दिए हैं और एक फील भी किया हुआ है ऑलरेडी, फील्ड स्मूथ और रफ, एक में स्मूथ है रफ है. और आपको फील करने, यू हैव टू फील लस्टर और डल, ये पॉलिश मार्बल लस्टर होंगे कि डल होंगे. कैन एनीबडी टेल मी, पॉलिश मार्बल, यू कैन सी द पेज नंबर, ओपन द पेज नंबर 37 और सीधा एक्टिविटी टू, सीधा एक्टिविटी टू देखो, एक्टिविटी टू को, और उसमें देखो कि फील करना है आपको. तो एक फील किया हुआ है और एक आपको भरना है. यू हैव टू फील पॉलिश मार्बल में क्या होगा, कोई भी नहीं बोलेगा बच्चा, अविनीत, अजय, हिमांशु राज, दिव्या भारती. अगर आपने अटेंड किया है क्लास तो फिर एक्टिव भी रहा कीजिए. ठीक है, मैंने तो म्यूट नहीं किया किसी को, आप लोग तो जवाब दे ही सकते हो. पॉलिश मार्बल क्या होंगे, अभी जस्ट मैंने बताया कि पॉलिश मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें चमक होती है. और जो पॉलिश नहीं होते हैं उनमें चमक नहीं होती है और वो स्मूथ भी होते हैं, ठीक है, पॉलिश वाले. और जो रफ होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैंड पेपर, सैंड पेपर क्या रफ है, तो कैसे होंगे, डल होंगे ना. आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो, चलो ठीक है भर लो, नहीं बोलते तो भरो. पॉलिश मार्बल में लिखो लस्टर और सैंड पेपर में लिखो डल. और एक कुछ दो है, यू हैव टू टू मोर थिंग्स
विच आर लस्टर और स्मूथ बाई टचिंग इट, एक्चुअली दे शो द स्मूथ नेचर बाई टचिंग इट। तो आप सबसे पहले ये व्हाइट बोर्ड भर दो, भर सकते हो व्हाइट बोर्ड, उसमें लिखना तुम स्मूथ लस्टर, स्मूथ लस्टर। और भी भर सकते हैं, डायमंड भर दो, डायमंड कैसे होते हैं, लस्टर होते हैं और स्मूथ होते हैं, इसको भर सकते हो। टेक में कर दो व्हाइट बोर्ड एंड डायमंड। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी पे आते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी बाई विच द मटेरियल कैन अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, एक प्रॉपर्टीज है मटेरियल का जो अलाउ करता है लाइट टू पास, पास करने का अलाउ करता है। तो ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी बाई विच अ मटेरियल कैन अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दे। ओपेक मटेरियल, यहाँ पे एक और आता है, तो वैसे मटेरियल को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और दो सब्सटेंस, दोज मटेरियल विच डोंट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दे, दैट इज कॉल्ड ओपेक, दैट इज कॉल्ड ओपेक सब्सटेंस। दो सब्सटेंस में ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। ठीक है, आप कैसे देख इस स्टोरी को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि विच मटेरियल, दिस मटेरियल इज ओपेक इन नेचर और ट्रांसपेरेंट, दिस मटेरियल इज ओपेक और ट्रांसपेरेंट, हाउ यू आइडेंटिफाई, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं। एक ग्लास है, मैंने नहीं बताया था ना आपको, पढ़ाया नहीं ना था स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो नहीं पढ़ाया था ना। चलो एक ग्लास टम्बलर ले लेते हैं, टम्बलर पानी पीने वाला ग्लास को बोलते हैं, वो ग्लास का बना है, किसका बना है, ग्लास का बना है। और उसके अगेंस्ट साइड में एक कैंडल, लाइटेड कैंडल को मैंने रख दिया, लाइटेड कैंडल को रख दिया। ठीक है, ग्लास के अपोजिट साइड, नाउ कैन यू कैन सी द लाइटेड कैंडल। ठीक है, आप क्या कर जाओ, देखो ग्लास के अगेंस्ट में, अगेंस्ट में अपोजिट साइड में लाइटेड कैंडल रख दिया, आप देख सकते हो इस साइड से, आप देखो और आप देख पाओगे, नाउ यू आर एबल टू सी द कैंडल लाइट, लाइटेड कैंडल। व्हाट इज पॉसिबल, बिकॉज दिस ग्लास अलाउ द लाइट। ठीक है, क्या किया है, ये अलाउ किया है, एक्चुअली इट अलाउ द लाइट, इट अलाउड द लाइट, अलाउड किया और उसने उससे पास कर दिया। ठीक है ना, और जब आप इधर साइड पे थे तो आप जब देख रहे हैं तो आपको लाइटेड कैंडल दिख गया, दैट मींस कि दिस सब्सटेंस इज ट्रांसपेरेंट। ओपेक में आते हैं, व्हाइट बोर्ड है आपके सामने, इसके अगेंस्ट में मैंने क्या रखा आपको नहीं पता, ये कैसे होल्ड है या स्टैंड है ये आपको नहीं पता, कैसे पता रहेगा, क्योंकि ये सब्सटेंस जो है मटेरियल है ओपेक है। ठीक है ना, अगर आपने अपोजिट साइड में कुछ रखा है, लाइटेड कैंडल को ही रख दो, बाद में देखते हैं कि वो आपको वो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसने दिस बोर्ड इज नॉट अलाउड, डजंट अलाउड द लाइट टू पास थ्रू दे, एक्चुअली ये जो बोर्ड है वो अलाउ ही नहीं किया है लाइट, आप कैसे देख सकते, देन यू आर नॉट एबल टू सी द सबस्टांस दैट होल्ड अगेंस्ट द दिस बोर्ड। ओके, नाउ कम टू द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग नेचर सबस्टांस, सम सबस्टांस आर फ्लोटिंग इन नेचर, सबस्टांस आर सिंकिंग। तो ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं विच फ्लोट ऑन वाटर और सम मटेरियल्स में सिंक इन वाटर। कुछ मटेरियल्स फ्लोट करते हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सिंक कर जाते हैं। तो लेट्स टेक अ एग्जांपल, एग्जांपल इज वुड, लॉग, क्या लेते हैं, पेपर लेते हैं, लॉग लेते हैं। पेपर को आप क्या करो, या फिर पेपर को ही, या आइस का टुकड़ा ले लो, पीसेस ऑफ आइस, और उसको डालो पानी में, तो पानी में डालोगे तो क्या होगा, फ्लोट कर जाएगा। ठीक है, तो ये मटेरियल क्या है, फ्लोटिंग इन नेचर है। और सेकेंड वन इज आप टेक अ क्वाइन या मार्बल्स, छोटे छोटे पीस का पत्थर का टुकड़ा ले लो, जब आप डालेंगे ना तो क्या होगा, सिंक कर जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं सिंक करते हैं, ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज सो, बिकॉज पेपर हैज
लाइट इन वेट और पेबल हैज हैवियर वेट। ठीक है, वो जो पेपर था वेट में लाइट था जबकि पेपर था वो लाइट नहीं था, उसके कुछ मास जो मास थे वो ज्यादा थे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, डूब गया। नाउ कम टू डिफ्यूजर, डिफ्यूजन क्या है? ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पेड़ किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। यहाँ तक अपीयरेंस, फील, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक एंड फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। मैम, अगर हम उस पे ग्लास रखेंगे कैंडल पे तो कैंडल बुझ जाएगा ना? कैंडल पे ग्लास रखेंगे तो ऑफ कोर्स ऑफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्यों होगा? ठीक है, ऑफ हो मैम जाएगा। क्योंकि उसको कार्बन, मैम एयर की कमी की वजह से। अच्छा हाँ बिल्कुल, एयर नहीं पास हो रहा है, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा। मैम, मैम एक चीज पूछूँ? हाँ, पूछो पूछो, चीज नहीं पूछो, क्वेश्चन पूछो। मैम अगर हम रूम को अगर चारों तरफ से कवर कर देंगे, अगर उस रूम में एयर खत्म होने लगेगा तो मैम उसको वैक्यूम करेंगे ना? वैक्यूम तो बोली, तो वैक्यूम का मतलब होता है कुछ भी नहीं हो, एयर के साथ साथ, एयर नहीं हो तब भी वैक्यूम बोल सकते हैं। यस वैक्यूम बोलते हैं, क्यों, क्या दिक्कत है? एनी मोर क्वेश्चन? मोर क्वेश्चन एनी? कोई और क्वेश्चन है आपके पास? राश्री कुछ पूछ रही थी शायद, नहीं आपको लगा ऐसा कि कुछ पूछ रही है? वन टू आस नो, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रॉपर्टीज में, वो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? ये डिफ्यूजन जो है, अच्छा इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू मटेरियल ऑन देयर ऑन, ऑन देयर ऑन। ठीक है, यहाँ पे दो मटेरियल्स है, दो ऑब्जेक्ट है, दो मैटर्स है, जो भी आप बोल सकते हो, दो सब्सटेंस है, वो आपस में मिक्स कर जाते हैं खुद ही ऑटोमेटिकली ऑन देयर ऑन, आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं होती है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो लेट अस एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ, हम लोग अभी भी कर रहे हैं उस चीज को। तो आप देखिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड से मैं क्या मार्कर से लिखा ना हमने, नेचर ऑफ मैटर्स। ठीक है, अगर आप उसको नेचर ऑफ मैटर्स को आप 2 महीने के बाद, 1 महीने तक इसको छोड़ दें, तो आप जब आप क्लीन करेंगे ना तो थोड़ी दिक्कत होगी, वो बहुत जल्दी साफ नहीं होता है, बहुत दिनों तक लिखा हुआ वाला जल्दी साफ नहीं होगा, वो बहुत कुछ करना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है, साफ ही नहीं हो रहा, क्लीन ही नहीं हो रहा, जबकि आप तुरंत अगर क्लीन करें तो हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? वाइट इज हेल्थ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो मार्कर था और बोर्ड था, दोनों के बीच डिफ्यूजन हो गया। क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया, दोनों मिक्स कर गए आपस में। ठीक है, ये सॉलिड है इसलिए इट टेक्स टू मच, टू लॉन्ग, बहुत दिनों के बाद ऐसा, क्योंकि ये सॉलिड है इसलिए कहते हैं कि डिफ्यूजन में, सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत कम हो। ठीक है, 2 महीने हमको वेट करना पड़ा डिफ्यूजन के लिए, 1 महीना। ठीक है, जब लिक्विड में हम आते हैं तो लिक्विड में, वाटर में जब आप इंक डालो, टू मटेरियल्स लिक्विड है, इंक भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, जब लिक्विड को डाला तो बहुत, 1 महीना घुलने में नहीं लगा, हाँ थोड़ा टाइम लगा, तुरंत नहीं हुआ लेकिन थोड़ा टाइम लगा, लेकिन डिफ्यूजन इसमें भी थोड़ा फास्ट हुआ। थोड़ा क्या, बहुत फास्ट हुआ, इसके कंपेयर में देखा जाए तो बहुत फास्ट। ठीक है ना, तो डिफ्यूजन इन लिक्विड इन कंपेयर टू सॉलिड वेरी फास्ट। ठीक है ना, बहुत फास्ट हुआ। नाउ कम टू गैसेस, गैसेस में आते हैं। अगर दो गैसेस स्टेट में कोई है पार्टिकल्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट, बहुत क्विकली क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन देखे तो गैसेस स्टेट में बहुत ज्यादा होता है, गैसेस में बहुत ज्यादा, अगर दो मटेरियल गैसेस नेचर का है तो उसमें बहुत ज्यादा,
ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्टिविटी आपका दिया हो कि लाइटेड अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक भी बोलते हैं, अगर आपने एक कमरे में जलाया है तो दूसरे कमरे में क्या, बाहर भी रहोगे तो इसका स्मेल आता है, इसके फ्रेग्रेंस आपके पास आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, व्हाट वुड हैपन, क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा कि एयर एयर भी है ना हमारे आसपास, और इंसेंस स्टिक का जो फ्रेग्रेंस है उसका स्मोक जो निकला उससे, वो भी गैसेस स्टेट में है, और ये दोनों आपस में मिक्स कर गए, डिफ्यूज कर गए एयर के साथ, क्या हुए, डिफ्यूज कर गया, चूंकि ये गैसेस है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो गया, बहुत तेजी से हुआ, और आप बैठे थे अपने कमरे में और दूसरे कमरे में जैसे ही जला आपके पास इसका फ्रेग्रेंस पहुंच गया। तो गैसेस नेचर होने के कारण इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत फास्ट हुआ, फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन हुआ, और आपके पास ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो रहा है वो क्या, कौन सा प्रॉपर्टी शो हो रहा है, बहुत क्या हो रहा है, समझ में आ गया। एक बच्चा कंटिन्यू आ रहा बहुत है, आयुष वेरी बैड हैबिट, घर में भी बात हो रही है, यहाँ तो क्लास है ना, घर तो है नहीं, हम तो क्लास ले रहे हैं, थोड़ा समझना चाहिए। अब एक के कारण सबको म्यूट कर दो, ठीक है, यही तुम लोग की इच्छा है। यहाँ पे लिखा है कि गैसेस डिफ्यूज वेरी क्विकली इनटू ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, इसलिए होता है, ऐसा क्यों हुआ भाई, गैसेस बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, लिक्विड में थोड़ा कम हुआ, क्विकली उतना फास्ट नहीं हुआ जितना गैसेस में, सॉलिड में और भी कम हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना सॉलिड लिक्विड और गैसेस में इसके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा कम होते हैं, लिटिल मूव करते हैं वो, और गैसेस में बिल्कुल भी पैक नहीं होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो दैट इज द रीजन, दिस इज द रीजन, ठीक है, ठीक है, यही रीजन है कि सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, और गैसेस में और भी ज्यादा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं बॉन्डेड नहीं होते हैं और रेंडमली मूव करते रहते, लिक्विड में भी मूव करते, इतना तो नहीं करते गैसेस की तरह, लेकिन फिर भी इट कैन मूव अ लिटिल, ठीक है, तो ये रीजन है डिफ्यूजन का, और सबसे ज्यादा गैसेस में होता है, ठीक है, सॉरी डोंट डिफ्यूज विच इज, यहाँ पे लिखा लिक्विड डिफ्यूज इनटू ईच अदर क्वाइट स्लोली, ठीक है, दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन ए लिक्विड आर नॉट सो फ्री टू मूव एज दे आर इन गैसेस, गैसेस की तरह फ्री नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत स्लोली होते हैं, गैसेस की तरह नहीं होते। यहाँ पे देखो बीकर में ब्लू इंक ले लिया है, ब्लू इंक से क्या हुआ है कि डिफ्यूजन करवा रहा है, तो थोड़ा टाइम लगा, फोर स्टेप में दिखाया है, बीकर में टाइम लगा, ठीक है, सॉरी डोंट डिफ्यूज विथ ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली एंड कैन नो मूव फ्रीली, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता, बहुत कम, कभी कभी किसी किसी केस में हो जाता है, सारे केसेस में नहीं होते, ठीक है, तो डिफ्यूजन नहीं के बराबर होता, फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड स्टोन डोंट डिफ्यूज इन टू ईच अदर, सैंड और स्टोन को अगर मिला दो तो क्या डिफ्यूज करेगा एक दूसरे से, मिक्सिंग होगा, कभी नहीं होगा, कुछ मटेरियल को छोड़ के, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने दिखा दिया, वो भी किस वजह से हुआ, ये थोड़ा लिक्विड नेचर का हो गया इसलिए हो गया, अगर सॉलिड सॉलिड रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर यहाँ पे हो भी रहा था तो आपका एक सॉलिड था बेटा, बोर्ड बोर्ड की तरफ देखो, ये सॉलिड था, और जो इंक हमने मार्कर जो चला रहे कहीं ना कहीं वो इंक है, लिक्विड नेचर का है, बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है, इसलिए थोड़ा हो रहा था, ठीक है, अगर ये इससे मार्कर से हम डिफ्यूज करवाए तो क्या ये डिफ्यूज करेगा दोनों, नहीं करेगा, इसके कारण कर रहा है, ये लिक्विड के कारण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लिक्विड नेचर का था इसलिए हो रहा था, ऐसे अदरवाइज नहीं होता, सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन में नहीं होता, सॉलिड डिफ्यूज नहीं करते हैं, और यहाँ पे देखो बिकॉज ऑफ पार्टिकल एबल टू डिफ्यूज स्लोली सॉलिड कैन हाउएवर, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो थोड़े बहुत डिफ्यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने बताया, और एक और एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, टेक सम क्लीन वाटर इन अ जार एंड प्लेस्ड ऑन अ टेबल टॉप अ फ्री क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट एक कंपाउंड है, केमिकल है, अगर उसको वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा डिफ्यूजन यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आप डाल कहाँ रहे हो,
वाटर में, लिक्विड में डाल रहे हो, सॉलिड सॉलिड में नहीं डाल रहे, सॉलिड सॉलिड में पॉसिबल ही नहीं है। अगर हो भी रहा है तो सॉलिड और लिक्विड में हो रहा है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, सॉलिड और लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड सॉलिड में पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल बताया बोर्ड का, तो सॉलिड लिक्विड था, यहाँ पे भी जो दे रहा है वो लिक्विड में ही डिजोल्व हो रहा है, यहाँ पे स्लोली डिजोल्व हो जाता है, ठीक है ना। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। एक और है, इसको भी पढ़ लेते हैं। डिजोल्यूशन क्या है? डिजोल्यूशन जो है वो कंप्लीट, वेन ऑन सबस्टान मिक्सेस कंप्लीटली विथ अनदर सबस्टान टू गिव अ क्लियर सॉल्यूशन, वी से इट हैज डिजोल्व। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं डिजोल्व कर जाते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो डिजोल्व नहीं करते, दैट मीन सॉल्युबल इन, दे आर सॉल्युबल इन नेचर एंड सम सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन नेचर, ठीक है। अगर वो डिजोल्व कर जाते हैं तो डिजोल्यूशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, बाई विच सबस्टांस कंप्लीटली डिजोल्व इन अ लिक्विड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिजोल्यूशन। और ये प्रॉपर्टी बाई विच ए सबस्टांस डिजोल्व इन अदर सबस्टांस इज कॉल्ड डिजोल्यूशन। ये प्रॉपर्टीज है, और जिस प्रॉपर्टीज के द्वारा कोई सबस्टांस डिजोल्व कर जाता है तो वो क्या कहलाता है, डिजोल्यूशन, ठीक है ना। ठीक है बेटा।